हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टेटस 6 में लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके फर्स्ट 7 सम्स हमने यहाँ पे किए थे। आज के इस वीडियो में हम जो उसके जो रिमेनिंग सम्स जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सम नंबर 8 करेंगे। सम नंबर 8 में दिया हुआ, देयर आर 7 केजेस फॉर 7 लायन इन अ ज़ू। 3 केजेस आउट ऑफ 7 केजेस आर सो स्मॉल दैट 3 आउट ऑफ 7 लायंस कैन नॉट बी फिटेड। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 7 केजेस जो केज है उसमें से 3 केज जो हैं वो इतनी ज़्यादा छोटी हैं कि जो हमारे पास जो बिग लायन है जू में वो उसमें फिट नहीं हो रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 लायंस बी केज्ड इन 7 केजेस। कि यहाँ पे हमें इन 7 जो लायंस हैं उनको हमें किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं कि जो बिग लायंस है वो भी अच्छे से फिट हो सके और स्मॉल लायंस जो है वो भी अच्छे से उसमें फिट हो सके। तो अब हम उनकी अरेंजमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 3 स्मॉल केजेस है आप देख सकते हो और बाकी की 4 क्या है बिग केजेस। अब उसमें से यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है कि 3 लाइंस जो है वो स्मॉल केजेस में फिट नहीं हो रहे। दैट मीन्स कि 3 लाइंस हमारे बिग हुए और 4 लाइंस जो है वो हमारे स्मॉल हुए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो 3 जो हमारे पास 3 लाइंस हैं उन्हें हमें ये जो 4 बिग केजेस है उसमें अरेंज करना है। तो उसमें अगर हम अरेंज करेंगे तो कितना आएगा 4b3। हमारे पास कितनी यहाँ पे केजेस हैं 4 केजेस हैं और उसमें से हमारे पास बिग लाइंस कितने हैं 3। दैट मीन्स कि 4p3 वे में हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। अब 4 केजेस में से हम 3 बिग लाइंस में आ गए तो बाकी हमारे पास कितनी केज बची 1 बिग और 3 स्मॉल केजेस हमारे पास बची। दैट मीन्स टोटल हमारे पास अब हुई 4 केजेस और बाकी के हमारे पास कितने लाइंस है 4 स्मॉल लाइंस है। दैट मीन्स कि 4 केजेस में हमें 4 लाइंस को अरेंज करना है। फिर से अगेन आपको रिपीट कर दूँ, हमारे पास 7 केजेस है उसमें से 3 केजेस इतनी ज़्यादा छोटी हैं कि उसमें हमारे जो 3 लाइंस है वो फिट नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स कि वो 3 लाइंस को हमें कौन सी केज में फिट करना होगा, जो बड़ी केज है उसमें हमें उन्हें फिट करना होगा। हमारे पास बड़ी केजेस कितनी हैं 4, उसमें हमें कितने लाइंस डालने हैं 3। दैट मीन्स 4p3। अब हमारे पास 4 केजेस में से 3 लाइंस को हमने डाल दिया है तो बाकी हमारे पास कितनी बची 1 बिग केज और बाकी की जो 3 स्मॉल केजेस हैं वो। दैट मीन्स टोटल हमारे पास हुई 4 केजेस। अब इन 4 केजेस और बाकी के हमारे पास लाइंस कितने हैं 4 लाइंस। दैट मीन्स कि 4 केजेस में हमें 4 लाइंस को फिट करना है। तो यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट किस तरह से होगी, फर्स्ट तो 4p3 इंटू 4p4, क्योंकि यहाँ पे हमें इस तरह से करना है कि 4p3 के 4 लाइंस को हमें 4 केजेस में 3 लाइंस को अरेंज करना है और 4 केजेस में 4 लाइंस को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4p3 दैट मीन्स 4 × 3 × 2 और 4p4 दैट मीन्स 4 × 3 × 2 × 1। 4 × 3 × 2 दैट मीन्स 24 × 24। 576 वेज में हम स्मॉल केजेस और बिग केजेस में हम लायंस को अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट सम दिया हुआ है, यूजिंग ऑल द डिजिट्स 2, 3, 5, 8 and 9 हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी मेड। अब यहाँ पे हमें ये जो 5 डिजिट्स दिए गए हैं कि जो है 2, 3, 5, 8 and 9 उसके ऊपर से हमें नंबर्स बनाने हैं कि जो 50,000 से बड़े हों। अब आप देख सकते हो कि अगर 50,000 से बड़े बनाने तो हमें यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे जो है वो हमें 5 को रखना होगा या 8 5 को या उससे बड़े डिजिट को रखना होगा। अब यहाँ पे ये दो नंबर्स जो हैं 2 और 3 से अगर हम नंबर बनाएंगे तो वो 50,000 से बड़ा नहीं होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट प्लेस की जगह हमें कौन सी रखनी होगी 5, 8 and 9। अब हमारे पास कितने हैं 3 नंबर्स हैं और फर्स्ट प्लेस कितनी है 1। दैट मीन्स कि फर्स्ट अरेंजमेंट हमारी होगी 3p1 की। वो कैसे हुआ, npr हमारे पास n दैट मीन्स कितने हैं 1, 2 and 3। 3 नंबर्स ऐसे हैं कि जिसको हम यूज़ करें तो 50,000 से बड़ी नंबर बनेगी और r दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लेस कितनी है एक ही है क्योंकि हमें 50,000 वाली चाहिए। दैट मीन्स कि 3p1 फर्स्ट प्लेस एक ही है तो यहाँ पे हम फर्स्ट अरेंजमेंट कैसी होगी 3p1 की। अब बाकी के जो अरेंजमेंट है, बाकी कितने डिजिट्स बचे, फर्स्ट अरेंजमेंट तो हम देख लें फिक्स हो गए, बाकी के जो हैं उन्हें हम किस तरह से इंटरनली अरेंज करेंगे 4p
फोर से। सपोज कि अगर यहाँ पे हम फर्स्ट जो है वो फाइव को ले रहे तो दैट मीन्स थ्री पी वन इन टू, अब बाकी कौन से डिजिट्स बचे टू थ्री एट और नाइन, उसे हम कैसे किस तरह से अरेंज करेंगे, इंटरनली हम यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे। फर्स्ट प्लेस हमने फिक्स कर दी है, या तो वो फाइव की होगी या तो एट की होगी या तो नाइन की होगी, तभी हम 50,000 से बड़ी डिजिट्स जो है वो हम बना पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस जो है वो किस तरह से होगी, थ्री पी वन। अब बाकी कितनी जगह बचे हमारे पास, फोर, और हमारे पास डिजिट्स भी कितने बचे हैं, फोर। तो उनके अरेंजमेंट हम किस तरह से करेंगे, फोर पी फोर प्लेस में। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू थ्री पी वन इंटू फोर पी फोर, जो हमने अभी देखा इस तरह से 3p1 दैट मीन्स 3, 4p1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 3 इंटू 24, हमारा आंसर आया 72। हम 72 वेस में नंबर बना सकते हैं कि जो 50,000 से ज़्यादा है वो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सम दिया हुआ है कि अ पर्सन हैज़ फाइव चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइज, दिस चॉकलेट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फाइव चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस, इफ द बिगेस्ट चॉकलेट इज गिवन टू द यंगेस्ट वन देन हाउ मेनी वेज द चॉकलेट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फाइव चिल्ड्रन। अब हमारे पास यहाँ पे एक दिया हुआ है कि कोई एक फाइव एक पर्सन है जिसके पास पाँच अलग अलग चॉकलेट है, और बड़ी चॉकलेट जो है वो सबसे छोटे जो चिल्ड्रन है उसको दे रहे हैं, तो बाकी हम कितने वेज में चॉकलेट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो यहाँ पे हमें करना है, तो वो हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइव चॉकलेट्स है और फाइव चिल्ड्रंस है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि बिग चॉकलेट जो है वो हम दे रहे हैं यंगेस्ट वन को, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक चॉकलेट हमारी कम हो गई, फोर चॉकलेट हो गई, और स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो कितने बचे हैं, फोर। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास फोर चॉकलेट्स हैं और हमारे पास यहाँ पे फोर चिल्ड्रंस भी हैं। तो अब यहाँ पे हमें किस तरह से उसकी अरेंजमेंट होगी, तो फर्स्ट हम ऐसे लिखेंगे कि टोटल परमिटेशन इज इक्वल टू, अब फर्स्ट एक चॉकलेट जो है वो हमने छोटे बच्चे को दे दी, दैट मीन्स कि हमारे पास एक ही बिग चॉकलेट थी और वो हमने किसे दे दी, सबसे छोटे बच्चे को, वो हमारे पास एक ही है, दैट मीन्स वन पी वन। अब हमारे पास बाकी कितनी बची है, फोर चॉकलेट्स, और स्टूडेंट्स सॉरी चिल्ड्रंस कितने हैं, फोर, दैट मीन्स कि फोर पी फोर वेज में हम यहाँ पे बच्चों को चॉकलेट्स देंगे। कैसे किया, एक चॉकलेट तो हमने दे दी तो वो हुआ वन पी वन, अब बाकी बचे हमारे पास चार चॉकलेट्स और हमें चिल्ड्रंस कितने हैं, फोर, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू फोर एंड आर इज इक्वल टू फोर, तो यहाँ पे हमारा आया फोर पी फोर। अब वन पी वन का आंसर आता है वन इंटू फोर पी फोर इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दैट मीन्स वन इंटू ट्वेंटी फोर, तो हमारा आंसर आएगा 24। अब 24 वेज में हम जो चार बच्चे हैं उन्हें हम चार चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम कर सकते हैं। नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा इजी था, उसके बाद सम नंबर 11 दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज द टोटल अरेंजमेंट कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें तीन वर्ड्स जो है वो दिए गए, उसमें हमें देखना है कि किस तरह से हम वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्टेटिस्टिक्स, अब आप स्टेटिस्टिक्स में टोटल वर्ड्स काउंट करोगे तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 10 वर्ड्स में आपको आई कितनी बार रिपीट हो रहा है देख रहे हो, 1 एंड 2, एस हमारी रिपीट हो रहा है 1 2 एंड 3, और टी जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार। अगर इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी वर्ड रिपीटेड होते हैं तब हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला है टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने ज़्यादा। अब यहाँ पे एन फैक्टोरियल दैट मीन्स कि टोटल वर्ड्स की नंबर्स कितने हैं, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे पी फैक्टोरियल दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, दैट मीन्स 1 एंड 2। यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है, तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, आई, तो पी इज इक्वल टू आई, क्यू इज इक्वल टू एस एंड टी इज इक्वल टू आर, सॉरी हाँ, तो अब यहाँ पे पी हमारा है आई, तो वो है 2 फैक्टोरियल, क्यू इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल दैट मीन्स एस एंड टी इज इक्वल टू 3 जो हमारे लिए आर, तो वो हमने यहाँ पे लिखा 3 फैक्टोरियल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 10 फैक्टोरियल का मीनिंग तो आपको पता ही है कि 10 को हमें लास्ट 1 तक लेके जाना है, दैट मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6
फाइव फोर थ्री टू एंड वन, इस तरह से लेके जाएंगे हम लोग अपॉन टू फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, टू को वन तक, दैट मीन्स टू इंटू वन इंटू थ्री फैक्टोरियल, दैट मीन्स थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू थ्री फैक्टोरियल, दैट मीन्स थ्री इंटू टू इंटू वन। यहाँ पे हमने इस तरह से किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले ये थ्री कट कर दिया, ये टू और ये टू। अब यहाँ हम अगर हमें यहाँ पे ये कट नहीं करना है तो उससे भी सिंपल मेथड हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर में इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। अब इन सब का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3,68,800 रुपीज़ जो है वो हम हमारा आंसर आया। और अगर हम नीचे का टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72। अगर आपको ये कट नहीं करना है, डायरेक्ट इन सब का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36,28,800 अपॉन 72। अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50,400। दैट मीन्स कि ये अगर ये जो वर्ड्स है उसे हमें अरेंज करना हो तो 50,400 वेज में हम अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ही वर्ड स्टेटिस्टिक्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हमने देखा है, उसी में ही सेकंड जो है बुककीपर और अपीरियन वो दोनों आपको होमवर्क में करने हैं बहुत ही ज़्यादा इजी समय, जैसा हमने यहाँ पे किया कि जो रिपीटेड नंबर्स हमें काउंट करने हैं और उन्हें फॉर्मूलाज में डाल के उन्हें सॉल्व करना है। सम नंबर 11 में दो सम्स होमवर्क में मिलने के बाद सम नंबर 12 हमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अशोक एंड गीता। अब यहाँ पे अशोक एंड गीता को हमें वर्ड्स जो है वो देखने हैं तो उसमें किस तरह से उनका रेशियो आता है वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल परम्यूटेशन ऑफ अशोक, तो यहाँ पे हमने लिखा टोटल परम्यूटेशन ऑफ वर्ड अशोक। अब यहाँ पे अशोक में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 and 5, तो यहाँ पे आएंगे 5 factorial, दैट मीन्स कि 5p5 जो भी हम लिख सकते हैं वो यहाँ पे हमने लिखा 5p5 5p5 दैट मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 and × 1। अब सेम इट इज़ गीता का, तो टोटल परम्यूटेशन ऑफ वर्ड गीता, पर गीता में यहाँ पे एक जो वर्ड है वो रिपीट जो है वो रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि कितनी बार हो रहा है, 2। तब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, एन दैट मीन्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, और यहाँ पे पी क्या आएगा, ई जो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2, दैट मीन्स 2 factorial, 5 factorial दैट मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 and × 1 अपॉन 2 × 1, दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 60। अब हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियो ऑफ परमिटेड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड अशोक एंड गीता इज इक्वल टू 120/60। अशोक के वर्ड के अरेंजमेंट के वेज जो है वो हैं यहाँ पे 120 और गीता के हैं 60, दैट मीन्स रेशियो हमारा आएगा 2:1। बहुत ही ज़्यादा इजी सम था, सबसे पहले हमने अशोक वर्ड के अरेंजमेंट की और फिर गीता के वर्ड के अरेंजमेंट फाइंड किए और दोनों का हमने यहाँ पे रेशियो फाइंड किया। उसी के बाद नेक्स्ट टर्म है, देयर आर 5 seats इन अ कार इंक्लूडिंग द ड्राइवर सीट, इफ 3 out of 10 मेंबर्स नो ड्राइविंग देन इन हाउ मेनी वेज कैन 5 persons out of 10 मेंबर्स कैन बी अरेंज इन द कार। सो यहाँ पे हमें कहा यह गया है कि हमारी जो कार है वो 5-seated कार है, उसमें से फर्स्ट जो है वो ड्राइविंग सीट है और बाकी की जो 4 seats है। अब हमें ड्राइविंग सीट्स तो एक सीट तो बुक हो गई, अब बाकी के 4 seats हैं, उसमें हमें यहाँ पे दिखाया गया है, कहा गया है कि 10 members उसमें से 3 members को ड्राइविंग आती है, मतलब कि अगर हम फर्स्ट ड्राइविंग सीट पे अगर हम कोई एक मेंबर को अरेंज करते हैं तो कितने आएंगे, 3p1, 3 members है और एक ड्राइविंग सीट है, तो फर्स्ट अरेंजमेंट ये हो गई। अब बाकी हमारे पास कितने बचे, अगर हम एक मेंबर
अब यहाँ पे तीनों मेंबर्स में से एक मेंबर को हम ड्राइविंग सीट्स पे अरेंज करते तो बाकी कितने बचेंगे? 9 मेंबर्स. 9 मेंबर्स हैं और हमारे पास सीट्स कितनी है? 4. दैट मीन्स कि 9 by 4. ये हमने कैसे किया? यहाँ पे हमने इस तरह से अरेंजमेंट की कि जो ड्राइविंग सीट पे हम तीन मेंबर्स में से जिसे ड्राइविंग आती उन्हें हमने फिक्स किया, तो बाकी के हमारे पास बचे कितने हैं? 9 मेंबर्स. और 9 मेंबर्स हमारे पास सीट कितनी है? खाली 4. तो यहाँ पे हमने 9 by 4 लिखा. तो हमारे यहाँ पे टोटल परम्यूटेशन हमने इस तरह से लिखा, टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल टू 3 by 1 × 9 by 4. दैट मीन्स 3 by 1 का मीनिंग होता है 3, 9 by 4 दैट मीन्स 9 × 8 × 7 × 6, मतलब 4 digits तक हमें यहाँ पे लेके जाना है. 3 × 3024, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. अब हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन आया 9072. इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सम है वो किया. बहुत ही ज़्यादा इजी सम था, बहुत ही यहाँ पे इजी सम हमने यहाँ पे सॉल्व किया है. सो यहाँ पे आज हमने जितने भी सम्स किए हैं उसके ऊपर से आपको ये तो सम्स होमवर्क में करने हैं, उसी के साथ साथ आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 8 to 13 जो दिए गए हैं वो भी आपको करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर सम्स के साथ मिलेंगे. थैंक यू.